ॐ तवकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान भक्ति से मस्तिष्क नहीं बिगड़ता है। अगर ज्ञान और भक्ति के बिना ध्यान साधना आदि कुछ किया जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स होने की संभावना हो सकती है। एक और उदाहरण लेते हैं। किसी ने आकर हमको कहा कि उन्होंने ऋषिकेश में कुछ प्राणायाम की ऐसी क्रियाएं सीखीं जिससे मन पूरी तरह मौन हो जाता है, कोई विचार नहीं रहता। ऐसी प्रक्रियाएं जब आप ध्यान आरंभ कर रहे होते हैं उस समय कुछ देर के लिए मन को शांत करने के लिए उपयोगी हैं, पर केवल इनसे स्वभाव नहीं बदलता है, समझ नहीं बदलती है। उसके लिए एक दूसरी फैकल्टी है मन की, हमारे सूक्ष्म शरीर की, जिसे बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, समझ कहते हैं, उसे बदलना पड़ता है। रस्सी में सांप दिख रहा है तो इसमें सांस रोककर मन को शांत करने से पूरी बात नहीं बनेगी। ज्ञान चाहिए कि जो सामने वस्तु दिख रही है वो सांप नहीं है, रस्सी है। प्रत्यक्ष दिखना भी चाहिए, समझ में बात आनी चाहिए, तब जाके दिल की धड़कन रुकेगी। श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते थे कि एक गुरुजी ऐसी ही श्वास की कुछ क्रियाएं करते थे और अपने शिष्यों को सिखाते भी थे। एक दिन ऐसी ही प्रक्रियाओं में उन्होंने एक प्रक्रिया करी, खेचरी मुद्रा, जिससे उनकी समाधि सी लग गई, शरीर बिल्कुल निश्चल हो गया, श्वास आना बंद हो गया। शिष्य ने आकर देखा कि गुरुजी तो समाधि में चले गए हैं। इस समाधि अवस्था में जाने से जरा पहले उन्होंने शिष्य को आवाज दी थी, मेरे लिए पानी लेकर आ, और उसके बाद जब तक शिष्य पहुंचता पानी लेकर उनको समाधि लग चुकी थी। शिष्य बहुत उत्साहित हुआ, उसने बाकी अपने दूसरे मित्रों को बुलाया, उन गुरुजी के दूसरे शिष्यों को बुलाया, सबको बताया कि गुरुजी तो समाधि में चले गए हैं। सारे गांव को पता चल गया, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग देखने आ गए, एक कतार सी लग गई उनको देखने के लिए, लोग चढ़ावा चढ़ाने लग गए, फूल चढ़ाने लग गए। कुछ दिन बीत गए, ऐसे में ही जब भीड़ ज्यादा हो गई तो थोड़ी धक्का मुक्की होने लगी और कोई व्यक्ति गुरुजी के ऊपर गिर गया और उनकी मुद्रा टूट गई वहां पे, और वो
वापस शरीर में आ गए और आते ही जोर से फिर से चिल्लाए, तू पानी नहीं लाया अभी तक मेरे लिए। खूब गुस्से में चिल्लाए। श्याम कृष्ण कह रहे हैं कि केवल इतना काफी नहीं है, ये ठीक है पर यह पूरी बात नहीं है। जब तक परमात्मा की भक्ति सुदृढ़ नहीं होगी, समर्पण में विश्वास नहीं होगा, परमात्मा की ही केवल एक सत्ता है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर, इस बात को पूरी तरह नहीं माना जाएगा, तब तक स्वभाव नहीं बदलेगा। यानी संसार को जो महत्व दिया हुआ है, जिसके कारण से मन बिगड़ा हुआ है, मन चंचल है, विक्षिप्त है, उद्विग्न है, सुख दुख में फंसा हुआ है, द्वंद्वों में रमा हुआ है, ये सब नहीं जाएगा, भक्ति से जाएगा। जब प्रायोरिटीज ही बदल जाएंगी, समझ ही बदल जाएगी कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, संसार चाहिए ही नहीं, धन चाहिए ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मात्सर्य शोक भय चाहिए ही नहीं, अपेक्षाएं चाहिए ही नहीं, जो हो रहा है गुणागुणेषु वर्तन्त हो रहा है, परमात्मा ही सब रूपों में, सब गुणों में, सब नामों में ऐसे विराजमान हैं जैसे वायु में आकाश, तिल में तेल, अग्नि की गर्मी, एक है। जब तक ये समझ दृढ़ नहीं हो जाती, तब तक मन शांत कैसे होगा? जब तक ज्ञाता और ज्ञेय का द्वंद्व बना हुआ है, दो दिख रहे हैं, मैं अलग तुम अलग, तो ये संभावना बनी ही रहती है कि संसार से सुख आएगा, संसार की जो मान्यताएं धारणाएं हैं, धन होना चाहिए, कीर्ति होनी चाहिए, नहीं तो ये जीवन बेकार है, यहाँ यहाँ पहुँचना है, किसी को IAS बनना है, किसी को विदेश में सेटल होना है, किसी को यहाँ से खुशी पानी है, वहाँ से खुशी पानी है, किसी को बच्चों से मिलेगी, किसी को घर से मिलेगी, किसी को कार से मिलेगी, किसी को पति पत्नी से मिलेगी। जब तक ये सारी धारणाएं जीवित हैं, मन थोड़ी देर के लिए श्वास क्रियाएं कर लीजिए, शांत तो हो जाएगा, थोड़ा लय सा हो जाएगा, मन का बुद्धि का नाश नहीं होगा, बीज पड़े रहेंगे, कभी भी पौधा फिर से उग जाएगा। समझ बदलनी है, समझ के ऊपर काम करना है, इसलिए भक्ति, ज्ञान, मनन, स्मरण, पूजा, भाव का महत्व है, केवल क्रिया का महत्व नहीं है, केवल अनित्य सी शांति हो जाना, मन का थोड़ी देर के लिए लय हो जाना काफी नहीं है, स्वभाव ही बदलना पड़ेगा, खुद को पूरी तरह मन बुद्धि अहंकार को, यानी फीलिंग्स को, मान्यताओं को, सांसारिक मान्यताओं को और अहंकार को पूरी तरह प्रभु के चरणों में लगाना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। अनन्यता आएगी कैसे? जब तक मन खंडित है, आपने देखा ही होगा ध्यान के समय कैसा व्यवहार करता है मन, भागता है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक बार नहीं कह पाते हैं, मन चार विचार उठा देता है, वो चार विचारों का उठना वो ध्यान को
तैल धारावत नहीं बनने देता है। और तैल धारावत ध्यान जब तक नहीं होगा तब तक समाधि की अवस्था नहीं होगी। उसके लिए भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य अति परिपक्व हो और हमें समाधि की अवस्था पूर्णतया अहंकार का परमात्मा में विलय हो जाना, आत्मा परमात्मा का एक हो जाना, ये स्थिति प्राप्त हो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ओम तत्सत्।